सोलन में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग बेहद चिंतित नजर आ रहा है। वहीं शहरवासियों में भी खासी दहशत देखी जा रही है। हाल ही में पिछले कल भी जिला सोलन में 30 मामले कोरोना पॉजिटिव के आए हैं, जिसके बाद इन 30 रोगियों को कोविड केयर सेंटर भेजा जा रहा है। ये जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें जिला के विभिन्न क्षेत्रों से सैंपल एकत्र कर रही हैं, रैंडम सैंपलिंग भी की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने बताया कि जिला में 30 मामले कोरोना पॉजिटिव के आए थे, जिसमें से 2 रोगी सोलन और 1 गंडा घाट का कोरोना पॉजिटिव है। ये सभी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव के सीधा संपर्क में आए थे, जिसके बाद ये भी कोरोना संक्रमित हो गए। अब उन लोगों की सूची बनाई जा रही है जो इन लोगों के संपर्क में आए थे, उन्हें पृथक रखा जाएगा और आवश्यकता पड़े तो उनके भी आवश्यक टेस्ट करवाए जाएंगे। सोलन नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा मिले, इसके लिए काफी वर्षों से सोलनवासी संघर्ष कर रहे हैं, जिसको लेकर शहरवासियों ने संघर्ष समिति का गठन भी किया था। इस संघर्ष समिति ने शहर में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया और अपनी मांगों को प्रदेश सरकार के विभिन्न प्रतिनिधियों के समक्ष रखा गया था। भाजपा सरकार का रवैया भी इन मांगों पर सकारात्मक रहा, जिसके चलते अब सोलनवासियों को आस जगी है कि जल्द ही सोलन नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया जा सकता है। संघर्ष समिति का मानना है कि नगर निगम बनने पर सोलन शहर की कायाकल्प हो सकती है और विकास की नई गाथा लिखी जा सकती है, इसलिए शहर में नगर निगम बनना बेहद आवश्यक है। अधिक जानकारी देते हुए नगर निगम संघर्ष समिति के पदाधिकारियों कुल राकेश पंत और मनोज गुप्ता ने कहा कि उनकी समिति में सभी दलों के सदस्य हैं, जो सभी चाहते हैं कि सोलन को नगर निगम का दर्जा दिया जाए, जिसके लिए संघर्ष समिति काफी वर्षों से निरंतर संघर्ष कर रही है और तब तक करती रहेगी जब तक कि सोलन को नगर निगम नहीं मिलता। उन्होंने ये भी बताया कि संघर्ष समिति को सोलन शहर की 40 संस्थाएं अपना समर्थन दे चुकी हैं, सभी की एक ही मांग है कि सोलन को नगर निगम का दर्जा मिले। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार से काफी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही सोलन को नगर निगम बनाने की घोषणा हो सकती है, जिसको लेकर संघर्ष समिति बेहद खुश है और वे उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब सोलन को नगर निगम घोषित किया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार सोलन में प्रत्येक वर्ष धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन सोलन में भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना के चलते किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजन नहीं हो सकते हैं, इसलिए इस वर्ष जन्माष्टमी पर किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन नहीं हो रहे हैं। यही वजह है कि सोलन की जनता आज काफी दुखी नजर आई, लेकिन सभी शहरवासी अपने अपने घरों में रहकर धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। इस मौके पर नगर परिषद पूर्व अध्यक्ष पवन गुप्ता ने शहरवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी और कामना करते हुए कहा कि कोरोना संकट जल्द से जल्द देश से दूर हो जाए, किसानों की फसल अच्छी हो। जो मजदूर और गरीब आजकल कोरोना संकट के चलते बेहद हताश और निराश हैं, उनके ऊपर से संकट के बादल जल्द छंट जाएं। आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है, पूरे देश में और विदेशों में भी इसको मनाया जाता है, और मैं अपनी ओर से सभी प्रदेशवासियों को, सोलन वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं भगवान से शुभकामनाएं मांगता हूं कि सभी सोलन वासियों, प्रदेशवासियों पर अपनी आशीर्वाद बना के रखें, और ये कोरोना महामारी से सभी को इससे निजात दिलाएं, और भगवान कृष्ण का जन्म आज होने जा रहा है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सारे प्रदेश में सभी लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें, सुख शांति समृद्धि बनाए, किसानों की फसल अच्छी हो, मजदूरों को, व्यापारियों को, सभी को
कुछ ना कुछ आशीर्वाद माँ प्रभु का मिलता रहे, ऐसी मेरी शुभकामना।